Thursday. नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट। चलिए बढ़ते हैं क्रिकेट से जुड़ी आज की प्रमुख 11 खबरों की ओर। भारत के खिलाफ होने वाले T20 सीरीज के लिए श्रीलंका टीम का हुआ ऐलान। 5 जनवरी से होने वाले 3 T20 मैच की सीरीज के लिए भारत दौरे पर आ रही श्रीलंका टीम का ऐलान हो गया है। पूर्व कप्तान एंजेलो मैथ्यूज को 16 महीनों बाद श्रीलंका की T20 टीम में जगह दी गई है। टीम की कप्तानी अनुभवी तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा के हाथों में है। टीम में शामिल है लसिथ मलिंगा कप्तान, दानुष्का गुनतिलका, अविष्का फर्नांडो, एंजेलो मैथ्यूज, दासुन शनाका, कुशाल परेरा, निरोशन डिकवेला, धनंजय डिसिल्वा, इसुरु उडाना, भानुका राजपक्षे, ओशदा फर्नांडो, वनिंदु हसरंगा, लहिरु कुमारा, कुसाल मेंडिस, लंछन संदाकन और कासुन राजिता। आपको बता दें कि सीरीज का पहला मैच 5 जनवरी को गुवाहाटी में खेला जाएगा। साल के पहले महीने जनवरी में भारत खेलेगा 10 मुकाबले। भारतीय टीम को साल 2020 के पहले जनवरी के महीने में ही 10 मुकाबले खेलने हैं, जिसकी शुरुआत 5, 7 और 10 जनवरी से श्रीलंका के खिलाफ T20 खेलकर होगी। फिर भारतीय टीम अपने ही घर में 14, 17 और 19 को 3 वनडे मुकाबलों के लिए ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी, जबकि 24, 26, 29 और 31 जनवरी को 5 T20 मैच के 4 मैच इस जनवरी न्यूजीलैंड के घर में खेलेगी। इस तरह भारत इस महीने में 7 T20 और 3 वनडे सहित कुल 10 मुकाबले खेलेगी। टेस्ट में शतक जमाने वाले भारत के पहले क्रिकेटर थे लाला अमरनाथ। लाला अमरनाथ भारद्वाज एक भारतीय बल्लेबाज थे, जिसने भारत के लिए सबसे पहली बार टेस्ट मैच में 1933 में इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए शतक जमाया था। साथ ही लाला अमरनाथ आजाद भारत के पहले क्रिकेट कप्तान थे और 1952 में पाकिस्तान के खिलाफ पहली टेस्ट श्रृंखला जीती भारतीय टीम की भी उन्होंने ही कप्तानी की थी। चोटिल दीपक चहर ने बताया खेल पाएंगे कि नहीं IPL। पीठ की चोट के कारण अप्रैल तक टीम से बाहर हो चुके तेज गेंदबाज दीपक चहर का मानना है कि ज्यादा क्रिकेट खेलने के कारण उन्हें यह पीठ में फ्रैक्चर की समस्या उभरी है। अपनी वापसी को लेकर चहर ने कहा कि फिलहाल तो मैं रेस्ट पर हूं, लेकिन कोशिश होगी कि IPL में वापसी करूं। हालांकि ज्यादा दिन तक खेल से बाहर रहने से रिदम में आने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन IPL में 1.5 से 2 महीनों में आपको कम से कम 14 मैच खेलने होते हैं, इसलिए रिदम वापसी के लिए IPL सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है। आपको बता दें कि चहर को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे एक दिवसीय मैच के दौरान पीठ के निचले हिस्से में परेशानी में देखा गया था, जिसके बाद उन्होंने तीसरा वनडे नहीं खेला था। ICC के 4 दिवसीय टेस्ट को ऑस्ट्रेलियन स्पिनर नेथन लायन ने बकवास करार दिया। ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष स्पिनर नेथन लायन ICC द्वारा 5 दिन के टेस्ट को 4 दिवसीय टेस्ट बनाने के प्रस्ताव को बकवास और हास्यास्पद करार दिया है। लियोन ने कहा कि मैं पूरी तरह से इसके खिलाफ हूं और मुझे उम्मीद है कि ICC इस पर विचार तक नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि आप दुनिया भर में खेले गए बड़े मैचों पर गौर करो तथा मैं जिन सर्वश्रेष्ठ टेस्ट मैच का हिस्सा रहा वे आखिरी तक रोमांचक बने रहे। अपने तर्क के लिए उन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 2014 के एडिलेड टेस्ट मैच का उदाहरण भी रखा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को आखिरी घंटे में हराया था। वहीं ऑस्ट्रेलिया के कोच लैंगर ने भी लायन की बातों का समर्थन करते हुए पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विकल्प गौर पर गौर किया जा सकता है, लेकिन उनकी निजी राय है कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। मयंक अग्रवाल को BCCI ने करवाया कर्नाटक टीम से बाहर। भारतीय एट के सभी फॉर्मेट में नाम होने के कारण, काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने के कारण कर्नाटक की टीम में रणजी खेलने वाले मयंक अग्रवाल को BCCI के कहने पर कर्नाटक ने आराम दे दिया है। आपको बता दें कि अग्रवाल के लाजवाब फॉर्म के चलते उनको 17 जनवरी से हो रहे न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत ए की सभी फॉर्मेट की टीम में जगह दी गई है। भारतीय ए टीम 10 जनवरी को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड के लिए रवाना होगी और टेस्ट टीम के नियमित सदस्य अग्रवाल पर कम बोझ को देखते हुए उन्हें आराम देने का आग्रह किया गया था। विराट कोहली ने 12 वर्ष पहले के लम्हों को याद कर न्यूजीलैंड के कप्तान की तारीफ। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने 12 साल पहले 2008 अंडर-19 विश्व कप में एक दूसरे के खिलाफ खेले न्यूजीलैंड के केन विलियमसन की तारीफ की है। कोहली ने कहा कि उन्हें याद है कि जब विलियमसन हमारे खिलाफ खेले थे, वो अपनी टीम में सबसे अलग थे और उनकी बल्लेबाजी का कौशल भी सबसे जुदा था। वह उस टूर्नामेंट के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे। आपको बता दें कि 2008 अंडर-19 विश्व कप में भारतीय टीम की कप्तान कोहली थे, वहीं न्यूजीलैंड टीम की कप्तानी केन विलियमसन कर रहे थे। उस विश्व कप में कोहली की टीम ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराया था। भारत के लिए वनडे में सबसे पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने थे कपिल देव। 1974 में वनडे मैच खेलना शुरू कर चुकी भारतीय टीम की तरफ से सबसे पहला शतक वनडे में 1983 के विश्व कप में टीम कप्तानी कर रहे कपिल देव ने लगाया था। उन्होंने उस मैच में नाबाद 175 रन बनाए थे, जिस वजह से 17 रनों पर 5 विकेट गंवा चुकी भारतीय टीम जीत दर्ज कर सकी थी। विश्व कप के हीरो मंजोत कालरा उम्र धोखाधड़ी में हुए एक साल के लिए निलंबित।
पिछले अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में शतक जड़ने वाले बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज मंजोत कालरा को अंडर 16 और अंडर 19 के दिनों में उम्र के में कथित धोखाधड़ी करने के लिए दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के निवर्तमान लोकपाल ने रणजी ट्रॉफी खेलने से एक साल के लिए निलंबित कर दिया है। साथ ही शिवम मावी और नीतीश राणा को उम्र में जुड़े और दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है। अजिंक्य रहाणे ने बताया न्यूजीलैंड दौरे पर सफलता के लिए क्या करना होगा भारतीय टीम को। भारतीय टीम के टेस्ट के उप कप्तान अजिंक्य रहाणे न्यूजीलैंड में फरवरी मार्च में होने वाले दो टेस्ट मैच जो कि वेलिंगटन एवं क्राइस्टचर्च को लेकर काफी सतर्क दिख रहे हैं। पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में रहाणे ने आगामी दौरे के संबंध में बात की और कहा कि हमने 2014 में वहां खेला था, एक हवा का फैक्टर है जो इसमें शामिल है जो निर्णायक भी रहता है। हवा के कारण गेंद को साइड मूवमेंट अधिक मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिछले दौरे में हमने वेलिंगटन में खेला था लेकिन क्राइस्टचर्च हम लंबे समय के बाद एक टेस्ट मैच खेल रहे हैं, इसलिए वहां की परिस्थितियों का इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण होगा। पहली बार पाकिस्तान करेगा पीएसएल का आयोजन पूर्ण रूप से पाकिस्तान में। पाकिस्तान द्वारा आयोजित क्रिकेट लीग पीएसएल के पिछले संस्करण के लगभग मैच पाकिस्तान से बाहर यूएई में खेले जाते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस वर्ष इसके सभी मैच पाकिस्तान में कराने का फैसला किया है। 20 फरवरी से 22 मार्च तक खेले जाने वाली इस लीग के 34 मैच पाकिस्तान के 4 अंतर्राष्ट्रीय स्थलों पर खेले जाएंगे। पीएसएल द्वारा बुधवार को जारी कार्यक्रम के मुताबिक कराची का नेशनल स्टेडियम 9 मैचों की मेजबानी करेगा, लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में 14 मैच खेले जाएंगे, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में 3 मैचों का आयोजन होगा, जबकि रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में 8 मैच होंगे। आप देख रहे हैं चकदा क्रिकेट। हम आशा करते हैं कि आपको क्रिकेट से जुड़ी आज की 11 खबरें पसंद आई होंगी। क्रिकेट से जुड़ी प्रतिदिन की खबरें और पल-पल के अपडेट के लिए हमारे चैनल चकदा क्रिकेट को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें तथा नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।